बिना छुट्टी मिले अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी 13 खेलने पहुंचा रेलवे कर्मचारी, 3 साल के लिए मिली सजा, आइए जानते हैं क्यों। केबीसी सीजन 13 में करोड़पति बनने का सपना लिए हॉट सीट पर बैठने वाले एक कंटेस्टेंट को अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अमिताभ बच्चन के शो पर जाना राजस्थान के देशबंधु पांडे को महंगा पड़ गया। देशबंधु कोटा रेल मंडल के राजस्थानी खरीद अनुभाग में कार्यालय अधीक्षक हैं और उनके ही डिपार्टमेंट के खिलाफ शो में हिस्सा लेने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। जब वह शो से वापस लौटे तो रेलवे स्टेशन ने उन्हें चार्जशीट थमा दी। शो में जीते 3,20,000 रुपए अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर पहुंचने वाले देशबंधु पांडे ने शो में 3,20,000 की धनराशि जीती और वह 6,40,000 के सवाल पर अटक गए और गेम को क्विट कर दिया। अब अपने शो में जाने के बाद रेलवे प्रशासन ने उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, यहाँ तक कि 3 साल तक की उनकी सैलरी में वृद्धि को भी रोक दिया है। देशबंधु पांडे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन देशबंधु पांडे के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हुई? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केबीसी में भाग लेने के लिए देशबंधु पांडे ने 9 से 13 अगस्त तक छुट्टी के लिए अधिकारियों की इसकी सूचना दे दी थी, लेकिन उन्होंने पांडे के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। इस बीच देशबंधु पांडे बिना छुट्टी मिले ही केबीसी की शूटिंग के लिए मुंबई पहुंच गए। उन्होंने हॉट सीट पर पहुंचकर अपना सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन अब उन्हें यह मांगना पड़ गया है रेलवे प्रशासन की तरफ से चार्ज सीट को लेकर। अब देशबंधु और उनका परिवार भी डरा हुआ है। देशबंधु रेलवे की कार्रवाई से इस कदर डरे हुए हैं कि वह डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उन्हें डर है कि मीडिया का कोई बयान ऐसा न दे दे कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए। हालांकि रेलवे की चार्ज सीट का जवाब उन्होंने दे दिया है। इस बीच देशबंधु को कर्मचारी संगठनों का समर्थन भी मिला है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव खालिद ने कहा है कि पांडे के साथ रेल प्रशासन ने ठीक नहीं किया, मजदूर संघ उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा।